हे दोस्तों, एक बार मैं फिर आया हूँ अपनी नई डिश के साथ और आपने बताया है। तो आइए शुरू करते हैं आज की स्पेशल डिश जिसका नाम है चिली मंचूरियन, जो कम से कम समय में और आसानी से आप घर पे बना सकते हैं। इस वीडियो को पूरा देखें, पसंद आए तो लाइक सब्सक्राइब एंड शेयर जरूर करें। नीचे दिए बेल आइकन को क्लिक करें, इससे ये फायदा होगा उसकी इन्फॉर्मेशन आपको मिल जाएगी। तो शुरू करते हैं आज की लाजवाब डिश। इंग्रीडियंट्स लगेंगे मैं बता दूँ। सबसे पहले हम ये चिली मंचूरियन बनाने ले लें, उसकी बॉल्स बनानी पड़ेगी मंचो। उसके लिए क्या क्या इंग्रीडियंट्स लगेंगे मैं आपको पत्ता गोभी और मसाला लेना है, बंद मैदा, पत्ता गोभी और नाक। एक चुटकी नमक डालेंगे हम, फिर हम इसे मिक्स कर लेंगे। इसे मिक्स कर लिया है, इसके बाद हम इसे इसमें पानी डालेंगे। आटे की तरह गूंथ लेंगे, जैसे हम आटा गूंथते हैं। तो हम इस तरह पत्ता गोभी और मैदे को गूंथ लेंगे। इसके बाद हम करेंगे, इसकी बॉल्स बनानी है, हम इसे फ्राई करेंगे। तो हम लेंगे कढ़ाई, गैस ऑन करेंगे। हीट होने के बाद हम इसमें डालेंगे ऑयल, आप ऑलिव ऑयल भी ले सकते हैं या रिफाइंड भी ले सकते हैं। फिर हम तेल गर्म होने तक हम इसकी बॉल्स बना लेंगे, इससे हमें इजी होएगा फ्राई करने में। तो आप देख सकते हैं जैसे मैंने बॉल्स बना ली है मैदा और पत्ता गोभी की। तो हमारा तेल भी अब गर्म हो चुका है लगभग, तो हम इसे फ्राई कर लेंगे बॉल्स को। तो हम बॉल्स डाल देंगे, सारी बॉल्स को फ्राई कर लेंगे। आप फ्राई कर लिए, 5 से 10 मिनट में आपका फ्राई हो जाएगा। तो हमने सारे बॉल्स फ्राई कर लिए, इसके बाद हमारा दूसरा प्रोसीजर है, हम मंचूरियन बनाने का सेकंड स्टेप। उसके लिए हमें जो जो इंग्रेडिएंट्स लगेंगे वो मैं आपको बताऊंगा। हमें 2 शिमला मिर्च चाहिए मीडियम कटी हुई, सॉल्ट चाहिए और हम रेड चिल्ली पाउडर लेंगे, लाल मिर्च और पत्ता गोभी करेंगे। हमें चाहिए अदरक लहसुन का पेस्ट, अरारोट 2 मीडियम साइज कटे हुए, अजीनोमोटो, और हमें चाहिए बंद गोभी थोड़ी लार्ज में कटी हुई, और हमें धनिया चाहिए गार्निश के लिए। तो हम प्रोसीजर स्टार्ट करते हैं, हम गैस ऑन करेंगे। मैंने 6 से 7 टेबल स्पून ऑयल डाल रखा है। तो हम गर्म होने देंगे, तेल गर्म हो गया। इसके बाद हम इसके बाद प्याज, इसके बाद हम इसमें डालेंगे अदरक लहसुन का जो हमने पेस्ट लिया था। हमने 50 ग्राम अदरक लहसुन का पेस्ट लिया था, हम इसे चलाएंगे 5 मिनट में। ये हमारे लाइट ब्राउन हो जाएंगे, ये भुन चुकी है। अब इसके बाद हम डालेंगे इसमें शिमला मिर्च डालेंगे, हमने जो 2 शिमला मिर्च काटी हुई थी। फिर इसके बाद हम डालेंगे हमने जो कैबेज लिया था। फिर हम इसके बाद इन दोनों को भून लेंगे, 5 से 10 मिनट में आपका ये भुन जाएगा। तो आप देख सकते हैं ये हमारा शिमला मिर्च और पत्ता गोभी और प्याज सारा में डालेंगे, छोटे 2 छोटे जग पानी। तो हम 2 जग पानी डाल दिया हमने, आप एक बड़ा मिक्स करेंगे। अब हम डालेंगे इसमें मसाले, तो हम पहले लेंगे अजीनोमोटो, 1/2 टीस्पून अजीनोमोटो डालेंगे इसमें। हाफ स्पून सॉल्ट, 1 स्पून ऑफ रेड चिली पाउडर, आ
इसे अच्छे मिक्स करने के बाद स्टेप आठ हम डालेंगे इसमें विनीगर, दो ढक्कन हम विनीगर डाल देंगे। अगर उसके बाद डालेंगे हम एक ढक्कन सोया सॉस। आपने देखा होगा दुकानों पे रेड कलर डालते हैं, वो मैंने इसलिए नहीं डाला क्योंकि वो हमारे सेहत के लिए हानिकारक होता है। नुकसान से 10 मिनट में ये हमारा मसाला जो है अच्छे से पक चुका है। बॉल्स जो फ्राई की थी हम इसमें डाल देंगे, इसे हम चलाएंगे। फिर हमें 5 से 10 मिनट हम इसे पकाएंगे, और इस बात का ध्यान रखें जब हमारी बॉल्स देख सकते हैं हमारा जो मंचूरियन की बॉल्स है वो सॉफ्ट हार्ड हो रही है, ज़्यादा नरम भी नहीं है ज़्यादा हार्ड भी नहीं है। इसके बाद हम इसमें जो हमारा लास्ट स्टेप है उसके बाद इसमें डालेंगे हम आरा रोट हम डालेंगे, दो टीस्पून आरा रोट डालेंगे। इसका फ़ायदा ये है कि आरा रोट डालने से हमारे जो मंचूरियन बनेगा चिली मंचूरियन उसमें टेस्ट भी आएगा, और जो है ग्रेवी है हमारी ग्रेवी भी अच्छी बनेगी। इसे चला लेंगे हम, बनके तैयार है। इसके बाद इसे गैस को ऑफ करेंगे। अब टाइम है प्रेजेंटेशन का, हम इसकी प्रेजेंटेशन करेंगे। इसमें बॉल्स डालेंगे, पहले बॉल्स डाल दें फिर इसके बाद इसकी गार्निश करने के लिए मैंने बड़ी बड़ी पत्ता गोभी काट रखी है। और कोरिएंडर हम इसमें धनिया डालेंगे, इसके बाद हम डालेंगे ग्रीन सॉस। तो आप देख सकते हैं हमारा चिली मंचूरियन रेडी है। फॉर वॉचिंग माई दिस वीडियो एंड लाइक सब्सक्राइब एंड शेयर माई वीडियो एंड कमेंट बॉक्स में कमेंट्स करें आप मंचूरियन बना के। और थैंक यू फॉर वॉचिंग माई Keep watching my channel Kitchen and Cooking Life.